हाँ नहीं, मैं इंडियन तस्वुर करता हूं। एक शिया आलिम थी, इनका मदरसा, उसके अंदर पुलिस घुस जाती है, उस शिया आलिम दीन को अरेस्ट करके लेकर जाती है। तीन दिन के बाद जब पुलिस उनको छोड़ती है तो तीन लोग उनको उठा कर लेकर आते हैं पुलिस स्टेशन से। मालूम हुआ कि हाथ और पैर की हड्डियां टूट चुकी थी, उतना बुरा उनको मारा गया। यह आपके भारत के मुसलमानों से मोहब्बत है। इसीलिए मैं करनूल की आवाम से गुजारिश करने आया हूं, जब हमारे बच्चों ने कुर्बानी दे चुकी, जब हमारी मां ने अपनी कोख को उजाड़ दिया, जब हमारी बहनें बेवा हो चुकी, जब हमारी औलाद यतीम हो चुकी है, अब हम पीछे नहीं हट सकते मेरे भाई। अगर बीजेपी की हुकूमत और लोगों को गोली मारना चाहती है तो मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, तुम अगर ये समझते हो कि हम गद्दार हैं तो मारो गोली हमको। हम अगर आप ये समझते हैं कि हम गद्दार हैं, कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस को खत्म कर दो, आईपीसी को खत्म कर दो, तुमको गोली मारना है ना, तो बताओ किस मुकाम पर भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को आना पड़ेगा। अगर आप गोली मारना चाहते हैं मारिए, खुशी से मारिए, मगर हम ये वतन छोड़कर नहीं जाएंगे। अब दूसरी हिजरत नहीं होगी इंशाल्लाह। हम जिंदा रहेंगे तो भारत में रहेंगे, मरेंगे भी तो भारत में मरेंगे। और अगर मरना अल्लाह ने लिख चुका है कि मेरी मौत एक संघी के गोली से होनी है, तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। मगर जब तक जिंदा रहेंगे मोदी, अमित शाह तुमसे जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे।